हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाखीज़ फूड हब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यमी एंड डिलीशियस चिकन रेसिपी, अचारी चिकन। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है एंड बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाली रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, देखते हैं अचारी चिकन बनाने के लिए हमने किया क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें एक मसाला तैयार करना है, उसके लिए हम लेंगे कुछ खड़े मसाले। हम लेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा, लहसुन, यहाँ पे हमने एक लहसुन को अच्छी तरह से छील लिया है। फिर हम लेंगे 50 ग्राम तक अदरक। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, हमने 1/2 कप तक तेल लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड ड्राई चिलीज़, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून पाँचफड़न, 2 बे लीव्स यूज़ करेंगे। इसको हम अच्छे से सॉटे करेंगे। ये सॉटे हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप किया हुआ अनियन। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो मसाले पेस्ट किए थे वो वाले मसाले। इसमें थोड़ा सा पानी लेके हम सारे मसाले को ले लेंगे। इस वक्त हम फ्लेम को मीडियम करके हमें बहुत अच्छी तरह से मसाला और अनियन को फ्राई कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अचार वाले मसाले, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे हमने एक टमाटर को चॉप कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक मसालों में से ऑयल निकल ना आए। अब हम सारे चिकन पीसेस को ऐड कर देंगे। सारे चिकन पीसेस को ऐड करने के बाद हमें इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन पीसेस में मसाला एकदम सही से जा सके। अब हमें इसको ढक के लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में आप ढक्कन हटा के चेक कर ले कहीं ये नीचे जल ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पे हमने 1/2 कप दही लिया है, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही में कोई लम्स ना रहे। यहाँ पे हमने घर का बना हुआ दही लिया है। दही ऐड करने के बाद हमें दही को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसको कुछ वक्त के लिए इस तरह से छोड़ देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिकन मसाला एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन कट किया हुआ अदरक, इसको हम ऐड कर देंगे। और हम ऐड करेंगे लास्ट में कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश चॉप कोरिएंडर लीव्स। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है, फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। तो चलिए कर लेते हैं अब हम सर्व। आप इसे रोटी, पराठा, नान या फिर राइस के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू रेसिपीज। लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप
चाहे तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।